न्यूज टुडे में दुनिया भर में स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले सर्वश्रेष्ठ 50 शहरों में भारत के 3 शहर शामिल हैं। हाल ही में मैं एक निजी संगठन पिच बुक ने स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले सर्वश्रेष्ठ शहरों की विश्व रैंकिंग जारी की है। सर्वश्रेष्ठ शहरों की विश्व रैंकिंग 2024 जारी की है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 50 स्टार्टअप इकोसिस्टम वाले शहर में मुंबई 32वें स्थान पर, बंगलोर 34वें स्थान पर, गुरुग्राम 48वें स्थान पर है। स्टार्टअप्स और उनके दर्जे के बारे में हम लोग पता करेंगे, जानेंगे। स्टार्टअप वास्तव में उत्पादों या प्रक्रियाओं या सेवाओं के नवाचार, विकास या सुधार के लिए कार्य करने वाले वाली या स्केलेबल बिजनेस मॉडल के आधार पर संचालित इकाइयाँ हैं। स्केलेबल बिजनेस मॉडल के तहत कंपनियां प्रदर्शन या दक्षता में कमी किए बिना समृद्धि, अधिक मांग और अधिक कारोबार से निपटने में सक्षम होती हैं। ऐसी इकाइयां कंपनियों के स्टार्टअप कहा जाता है। ऐसी इकाइयां या कंपनियों को क्या कहते हैं? स्टार्टअप कहा जाता है जिनकी स्थापना 10 वर्ष से अधिक नहीं हुए हो और जिनका वार्षिक टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से अधिक नहीं। भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT किसी व्यवसाय को स्टार्टअप के रूप में मान्यता देता है। भारत के पास दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। मार्च 2024 तक भारत में 114 यूनिकॉर्न थे। $1 बिलियन से अधिक मूल्य वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप को यूनिकॉर्न कहा जाता है। स्टार्टअप को बढ़ावा देने वाले कारक के बारे में समझेंगे। बड़ी बड़ी कंपनियां स्टार्टअप से जुड़ रही हैं। कुशल इंजीनियर्स, डेवलपर्स जैसी प्रतिभाओं का अधिक संख्या मौजूद है। डिजिटल क्रांति की वजह से स्टार्टअप अधिक और अलग अलग प्रकार के उपभोक्ताओं तक उत्पाद एवं सेवा पहुंचाने में सफल हो रहे हैं। बड़ी आबादी स्टार्टअप्स के लिए विशाल बाजार प्रदान करती है। स्टार्टअप्स का महत्व हम लोग देखें। भारत में स्टार्टअप्स ने 12 लाख से अधिक रोजगार के अवसर सृजित किए। स्टार्टअप्स द्वारा दायर पैटेंट आवेदनों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। यह विदेशी निवेश आकर्षित कर रहे हैं, उपभोक्ताओं की पसंद को प्राथमिकता दे रहे हैं। स्टार्टअप के समक्ष चुनौतियां भी देखते हैं। इन्हें फंड जुटाने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ये अधिक राजस्व सृजित नहीं कर रहे हैं। इन्हें बेहतर मार्गदर्शन, मेंटरशिप प्राप्त नहीं हो रही है। बौद्धिक संपदा अधिकारों से संबंधित सख्त नियम इनके विकास को प्रभावित कर रहे हैं आदि। भारत में स्टार्टअप्स बढ़ाना भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए हम पहले देखेंगे क्या क्या है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग DPIIT ने स्टार्टअप इंडिया पहल शुरू की। इस पहल का उद्देश्य नवाचार को बढ़ावा देने और निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण करता है। नीति आयोग ने अटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया है। भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने स्टार्टअप अनुदान निधि का कार्य शुरू किया। DPIIT ने मार्ग पोर्टल लॉन्च किया। मार्ग से आशय मेंटरशिप, एडवाइजर, असिस्टेंट, रेसिलेंस एंड ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप इंडिया।